Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine and you all are done with your homework, right? Which I gave you in the last video. So today I am going to continue the same chapter, that is A Gift of Chapels, and today we will continue with the second part of the same chapter. So now let's start. Mridu crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. So they are telling now ki Mridu crept up the window slowly. Crept up the window means crept up, बहुत धीरे से उसने window को खोला, बहुत हल्के से, जिसको हम बिल्कुल हल्के से move करते हैं जिससे बिल्कुल भी आवाज़ ना आए, उस चीज़ को हम crept up to the window कहते हैं, ठीक है? तो कि बिल्कुल आवाज़ ना आए, उसने बहुत धीरे से उसको खोला. Now they are telling कि लाली जो है वो कुछ डिस्टेंस के ऊपर बैठी थी. लाली was sitting a little distance away, कि वो उस विंडो से, फॉर एग्जाम्पल अगर विंडो यहाँ है तो जो लाली है वो यहाँ बैठी थी, थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ उसके, ठीक है? सो नाउ दे आर टेलिंग कि वो कर क्या रही थी. ऑकवर्डली होल्डिंग हर वॉयलिन एंड बोस्टिंग, मतलब उसने बहुत ऑकवर्डली अपने वॉयलिन को पकड़ा हुआ था. दैट मीन्स कि जो उसकी प्रॉपर उसका वे होना चाहिए वॉयलिन को पकड़ने का, उसने उस वे में नहीं पकड़ा हुआ था. एंड बो स्ट्रिंग, एंड वो उसको बजा रही थी. बो स्ट्रिंग मीन्स उसकी जो स्ट्रिंग्स हैं उनको बो कर रही थी, चला रही थी, बजा रही थी. हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आईज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, उसकी जो एल्बोज हैं वो जटिंग आउट, जटिंग आउट बेसिकली होता है एक्सटेंडेड, मतलब आपकी बॉडी से ज़्यादा बाहर, मतलब जो उसका पोस्चर था अगर उसकी बॉडी इसके अंदर थी सो उसकी एल्बोज यहाँ से ऐसा बाहर जा रही थी, उसके बॉडी स्ट्रक्चर से बाहर एक्सटेंड होके जा रही थी बहुत. एंड उसकी जो आईज थी वो ग्लेज थी बहुत कंसंट्रेशन के साथ अपने टीचर के ऊपर, वो ग्लेज करके बैठी थी, ध्यान से देख रही थी अपने टीचर को. वो ट्राई कर रही थी बेसिकली टू लर्न वॉयलिन, सो वो उसकी पूरी कंसंट्रेशन वहीं पर थी. इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक टीचर, ठीक है? सो वो बोल रहे हैं कि अब जो उसके सामने, यानी जो लाली थी उसके सामने और विंडो की तरफ बैक करके जो बैठा हुआ था वो था उसका म्यूजिक टीचर. सो दे हार्डली हैड अ लुक ऑफ हिज म्यूजिक टीचर, उनको बहुत ही मतलब अनक्लियर से एक विजन उसकी मिल रही थी कि हाउ ही लुक्स. ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेड विद द फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट, ठीक है? सो वो बोल रहे हैं कि वो जो मोस्टली जो है वो बाल था, मीन टकला या गंजा जिसको हम बेसिकली बोलते हैं वो था उनके, मतलब हेड पे बहुत कम बाल थे. और जो बाल थे वो कहाँ थे, वो ईयर्स के ऊपर फ्रिंजेस आ रही थी, मतलब जो थोड़े थोड़े बाल उनके ईयर्स के ऊपर आ रहे थे. एंड एक बहुत ही ओल्ड फैशन टफ्ट उन्होंने बनाई थी. अब टफ्ट क्या होता है आपने देखा होगा शायद कभी, जो पहले मूवीज वगैरह में भी दिखाते थे, अब तो खैर मैंने भी नहीं देखे हैं वैसे लोग, बट पंडित होते थे जो, उन्होंने क्या किया होता था, एक बहुत ही हाफ बालों के साथ छोटे से एक पोनी टेल से बनाई होती थी और उसको नीचे से रोल काइंड ऑफ किया होता था, तो गोल सा इट्स सच, और उस पर रबर काइंड लगा देते थे. सो उसको बोला जाता है ओल्ड फैशन टफ्ट, उसको बोला गया है यहाँ पे. फाइन, सो अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन टू द स्टेम ऑफ द वॉयलिन. सो कह रहे हैं अब वो क्या और देख सकते थे कि उसकी जो नेक थी, लेदरी नेक क्यों बोला गया है अब इसको, क्योंकि वो आई गेस जो उनकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा उनके साथ लगी हुई थी, लेदर काइंड में लग रही थी वो, उस वजह से उसको बोला गया. बिकॉज ऑफ हिज एज माइट बी वो ओल्ड एज होंगे, तो उनकी जो लुक है वो ऐसी थी कि झुरियाँ काइंड ऑफ जिसको बोलते हैं वो ऐसी आ रही थी, तो उन्होंने उसको लेदरी बोला गया है. सो उस लेदरी नेक पे गोल्ड चेन थी और उनके हैंड में एक डायमंड रिंग थी. अब वो डायमंड रिंग उन्होंने कैसे देखी, दे आर टेलिंग अस कि जब वो वॉयलिन बजाते, उसकी जो स्टेम है वॉयलिन की उसके ऊपर उसका हैंड अप एंड डाउन जाता था जब वो उसको बजा रहे थे, सो उस टाइम पे उन्होंने उसके हैंड में वो रिंग देखी. अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बिनिथ हिज गोल्ड बॉर्डर विथ द एज एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो. नाउ दे आर टेलिंग कि उसका जो लार्ज फुट है, ठीक है, वो बाहर आ रहा था उसकी वेस्टी के नीचे से. वेस्टी इज़ धोती,
वेस्टी धोती जो है उसको तामिल में वेस्टी बोला जाता है, सो ही सेइंग कि उसकी धोती में से उनका पैर जो है वो बाहर आ रहा था एंड ही वॉज बीटिंग दैट ऑन फ्लोर, मतलब उनका पैर लाइक दिस दिस ऐसे आ रहा था और वो जो टो है वो उसको दोबारा से बता रहे हैं स्क्रॉनी, दैट मीन्स हमने पहले भी पढ़ा था दैट मीन्स थिन, बहुत पतला जो होता है उसको बोला जाता है। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। ठीक है, सो दे आर टेलिंग नाउ कि उसके जो म्यूजिक टीचर थे उन्होंने कुछ नोट्स बजाए, ही प्लेड अ फ्यू नोट्स मतलब उन्होंने वायलिन बजाया थोड़ा सा, लाली जो है वो उसको बहुत ही मतलब कोशिश कर रही थी फॉलो करना का, स्टम्बल बिहाइंड हिम शी वॉज फॉलोइंग हिम, बहुत मुश्किल से लाइक वो कर रही थी, बट इट लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, बट वो एक हेल्पलेस कोशिश लग रही थी, दैट मीन्स उससे वो नहीं बज रहा था। ठीक है, एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और वो जो वॉयलिन है दे आर सेइंग कि वो वॉयलिन भी बहुत अनहैप्पी लग रहा था उसके हैंड्स के अंदर, बिकॉज मतलब कि वो उसने ना उसको प्रॉपरली पकड़ा हुआ था ना वो प्रॉपरली उसे बज रहा था, सो दैट्स वाई दे आर सेइंग कि वो अनहैप्पी काइंड ऑफ सिचुएशन थी। वट अ डिफरेंस, द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इन टू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। ठीक है, वो बोल रहे कि बहुत वट अ डिफरेंस मीन बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, अब डिफरेंस किसके अंदर था, डिफरेंस वॉज देयर इन द नोट्स ऑफ म्यूजिक मास्टर वॉयलिन नोट्स एंड दैट लालीज नोट्स। ठीक है, सो वो कैसे था, वो कह रहे हैं कि म्यूजिक टीचर के जो नोट्स हैं वो ऐसे सीम कर रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा कहीं फ्लोट कर रहे हैं और जाके एक परफेक्टली सेटल हो रहे हैं एक ट्रैक्स में, एक मेलोडी में, बहुत ही अच्छी मेलोडी मतलब बहुत अच्छी साउंड आ रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज टीचर सो ही मस्ट बी परफेक्ट ना, सो वो परफेक्ट थे अपने वॉयलिन में और वो बहुत ही अच्छे से बजा रहे थे, बहुत ही अच्छी मेलोडी आ रही थी, बहुत अच्छी साउंड आ रही थी, बट जब लाली बजाती थी तो उसे बज नहीं रहा था और वो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं वो क्या कर रही है, राइट, सो दैट्स व्हाई दे सेड कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। नाउ इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स एंड विजलिंग अलॉन्ग एज रवि सेड। ठीक है, सो अब वो कह रहे हैं कि जैसे कि रवि ने बोला था जो म्यूजिक मास्टर के जो नोट्स हैं वो ऐसे लग रहे थे कि कोई ट्रेन जो है वो बिल्कुल अपने ट्रैक पे जा रही है और बहुत धीरे 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 से उसकी जो वॉइस आती है बहुत सॉफ्ट सी वो वॉइस आ रही है। एंड मृदु स्टार्टेड एट दैट ह्यूज बेरिंग हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वॉयलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक। ठीक है, अब वो कह रहे कि जो मृदु है वो स्टेयर कर रही थी, स्टेयर्ड एट द ह्यूज बेरिंग हैंड मूविंग एफर्टलेसली, मतलब जो उसके मास्टर का जो हैंड था जो बहुत एफर्टलेसली मतलब बिल्कुल भी ऐसे लग रहा था कि कोई वो एफर्ट नहीं कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर मूव ऑन कर रहे हैं, उसको वो देख रही थी वॉयलिन स्टेम पे जब और इतना ज़्यादा अच्छा म्यूजिक बना रहा था वो, मेकिंग लवली म्यूजिक मतलब बहुत अच्छी वॉइस प्रोड्यूस कर रहा था उनका वो हैंड। क्वैक, देयर वॉज लाली ड्रिलिंग अगेन, फिर कहते ओफ नाउ इट्स लाली ड्रिलिंग अगेन, मतलब वही जैसे जो हमने पहले भी पढ़ा था सेम मीनिंग कि अब ऐसा लग रहा था कि जो वो ट्रेन है वो अपने ट्रैक को छोड़ के कहीं और ही जा रही है और वो बहुत लड़खड़ाती सी लाइक आवाज़ आ रही है गंदी सी, सो सेम थिंग हैपन अगेन। अम्मा केम अ वॉयल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, अब उसकी जो अम्मा है वो गेट से बाहर आती है, वो कहते हैं ओ अम्मा आ गई, वो शॉक हो जाते हैं बिकॉज वो दे वर पीकिंग इन टू द विंडो, सो वो डर जाते हैं कि ये क्या हो गया, अम्मा आ गई, अब वो हमें डांटेंगी, हमें बोलेंगी कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम क्यों पीक कर रहे हो, राइट, सो वो डर गए। बट वट इज मामा अम्मा सेड, वट इज मदर सेड, लेट्स रीड अप। रवि सेंड दैट बैग अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी। अब उसकी जो अम्मा है वो बैक बरांडा में जहाँ पे वो चैट कर रही थी उसकी तापी के साथ, तापी वॉज इज मैंने पहले भी बताया था तापी थी उसकी मेटर्नल ग्रैंड मदर मतलब उनकी नानी, सो उसकी नानी के साथ जब उसकी मदर चैट कर रही थी, बातें कर रही थी, सो उस वहाँ से ही वो बोलते हैं चला के थोड़ा सा लाउडली बोलते हैं, क्राइड मीन्स थोड़ा सा लाउडली बोलना, रवि सेंड दैट बैक रवि, रवि को बोलते कि ये जो बेगर आया हुआ है जो भिखारी आया हुआ है उसको वापस भेज दो। He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from.
पाती एक्सप्लेन टू तापी. ठीक है, अब जो उसकी पाती है यानी उसकी जो दादी है वो उसकी नानी को बताती है कि अब ये जो बेगर है ये बहुत दिनों से यहाँ आ रहा है, बट अब बहुत हो गया, अब इसको कोई और घर ढूंढ लेना चाहिए, रोज़ यहाँ आके हमें परेशान करता है. सो ही मस्ट फाइंड सम अनदर हाउस. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. अब मृदु और जो मीना थी वो भी रवि के पीछे पीछे बाहर चली जाती है. द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. ठीक है, बोल रहे हैं जो बेगर था वो ऑलरेडी गार्डन में आ चुका था और वो मतलब अब ही वॉज मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, मतलब वो अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करवाता जस्ट लाइक कि ये उसका ही घर हो. ठीक है, ही वॉज मेकिंग हिमसेल्फ कंफर्टेबल. ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट हिज ट्रंक अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज वाइल ही अवेटेड फॉर द एल्म्स टू अपीयर. सो ना वो क्या बता रहे हैं कि वो क्या कर रहा था, जो उसका अपर क्लोथ था मतलब जो वो लाइक लेता था ओढ़ता था, लाइक हम जैसे शॉल ओढ़ते हैं उस काइंड में, जब वो अपने ऊपर लेता था उसने क्या किया, वो उस काइंड का कोई कपड़ा, मतलब बड़ा कोई कपड़ा जो लेते हैं, नॉट शॉल, शॉल तो हम सर्दियों में लेते हैं, बट वो काइंड ऑफ उस तरह का कि जो बड़ा जैसे हम शॉल को लेते हैं उस तरह से उसने जो कपड़ा ले रखा था वो कपड़ा उसने उठाया एंड वो नीम ट्री के नीचे बिछा दिया और नीम ट्री के उसकी जो ट्रंक है उसके ऊपर लाइक ऐसे सिर अपना लगा के पीछे ही वॉज ट्राइंग टू लीन इन, मतलब लेटने ही वाला था, लेटने लगा था और लग रहा था कि ही वॉज रेडी टू टेक अ लिटिल स्नूज. लिटिल स्नूज मतलब एक नैप लेने को तैयार था, थोड़ी सी नींद, जैसे थोड़ा सा नैप टाइम हम लेते हैं दोपहर को, दैट्स काइंड ऑफ थिंग ही वॉज गोइंग टू डू. और उसके साथ साथ ही वॉज वेटिंग फॉर एम्स. एम्स क्या होता है, एम्स के आने का वेट कर रहा था. एम्स मतलब जो मनी या फिर जो फूड हम बेगर्स को देते हैं फाइन, उसको हम बोलते हैं एल्म्स. सो वो उसके आने का वेट कर रहा था कि वो आएगा तो मैं खाऊंगा या फिर मैं वो पैसे जो है वो मैं रख लूँगा, वट एवर. गो अवे सेड रवि स्टर्नली. वो जो है रवि है वो थोड़ा सा अपनी वॉइस को थोड़ा भारी करके और बहुत अजीब से ढंग से बोलता है, गो अवे, यहाँ से चले जाओ. माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेक फ्रॉम. कह रहे मेरी दादी ने बोला है कि अब तुम्हें दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए उसमें भीख मांगने के लिए, मेरे घर पे हमारे घर से आपको भीख नहीं मिलेगी. द बेगर ओपन्ड हिज आईज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन. अब जो वो बेगर है वो अपनी आईज को बहुत बड़ी करके खोलता है और एक एक करके सारे बच्चों पे देखता है कि क्या हो रहा है, बहुत घूर के देखता है, गेज्ड. द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विद फीलिंग आर वेरी काइंड सोल्स. अब वो थोड़ी सी वॉइस जो है अपनी वो फीलिंग्स के साथ वो बोलता है कि इस घर की जो लेडीज़ हैं वो बहुत ही अच्छी लेडीज़ हैं, बहुत अच्छी सोल्स हैं. आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर अ होल वीक. आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे. वो कह रहे हैं कि मैं उनकी वजह से ही अपनी जो बॉडी एंड सोल है उसको इस घर में पूरे हफ्ते के लिए रख पाया हूँ, टुगेदर एक साथ रख पाया, मतलब वो आके रोज़ ही यहाँ पे रेस्ट करता था. मैं बिलीव नहीं कर सकता कि उन्होंने मुझे बोला है टू टर्न अवे, कि भी मुझे बोला उन्होंने चले जाओ यहाँ से, ऐसा कैसे हो गया, वो बिलीव नहीं कर रहा था. ही रेज्ड हिज वॉइस. अम्मा अम्मा ओ सेड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वाजंट फिबल. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि वो बिलीव नहीं कर रहा था तो रवि स्टार्टेड शाउटिंग अम्मा अम्मा. नॉट रवि, दैट पर्सन ओनली, वो जो भिखारी था वही जो है वो शाउट करने लग गया अम्मा अम्मा, कि भाई शायद वो बाहर आएंगी उसको बोलने के लिए. सेंड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टनली वॉजन फीबल इट बिगिन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन विद ब्रिटल च्यूइंग. सो ही इज सेइंग कि वो जो है आवाज़ करने लगा और उससे वो आस्ता आस्ता से उठ रहा था. ही वॉज बट उससे उठा नहीं चाहता बिकॉज ही वॉज फिबल. फिबल मीन्स वीक. जब हम बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, चाहे वो किसी इलनेस की वजह से, किसी बीमारी की वजह से हो, या फिर हमारी एज फैक्टर जब आ जाता है हम पे, तो हम जो बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं वो वाली फीलिंग उसकी थी. और जब वो उठ रहा था इट बिगिन इन अ डीप स्टॉर्म सर्टनली
rumbled somewhere in his withered belly. अब उसकी withered belly होती है, मतलब बहुत ज़्यादा जो shrink हुई होती है, wrinkle से भरी, बहुत पतली हो जाती है belly जब, because of age उसको बोला जाता है. And they are saying कि वो rumble कर रही थी उसकी, मतलब जैसे वो उठा, he was must be hungry. तो जब hungry होने से हमारे पेट में, हमारे stomach में जो आवाज़ आती है घर घर गुर गुर सी, सो वो उस वॉइस को हम रंबल बोलते हैं. सो वो कह रहे हैं कि वो उसके स्टमक से कहीं से वो वॉइस आ रही थी जो कि बाहर आई उसके माउथ से, ऐसा लग रहा था कि उसके माउथ से बाहर आ रही है. और जब वो बोल रहा था तो उसके टीथ नज़र आ रहे थे जो कि बहुत ही फ्यू रिमेनिंग थे, मतलब बहुत कम रहते थे, और वो ब्राउन थे बिटल च्यूइंग करने से. बिटल क्या होता है? तंबाकू जिसको हम बोलते हैं. वो च्यू करने से, वो खाने से उसके जो टीथ हैं उसके ऊपर ब्राउन स्टेन्स थे. रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी. ठीक है, अब जो रुकुमनी थी यानी जो उसकी आंट थी, मीना की, मृदु की आंट थी, उनने बोला कि रवि उनको बोल दो कि हमारे घर पे कुछ नहीं है उनको देने के लिए. एंड ही इज नॉट रुकुमनी एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट. एंड उस बोल दो उसको दोबारा यहाँ ना आए, हमारे पास कुछ नहीं है खाने को देने के लिए उसके पास. शी साउंडेड फेड अप. अब वो फेड अप साउंड करती है, अब रोज़ वो आ जाएगा, रोज़ कुछ ना कुछ दो. सो ऑब्वियसली हर कोई फेड अप फील करेगा कि क्या है, ये तो रोज़ ही आ जाता है ना. सो वो भी फेड अप थी और उसने बोला कि उसको बोल दो हमारे पास कुछ नहीं है और चला जाए यहाँ से, दोबारा यहाँ मत आए. Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि रवि कहता है कि मुझे वो कुछ भी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज उसकी जो मदर ने बोला था वो बहुत ही लाउड एंड क्लियर था और वो हर किसी को सुनाई दे गया था ऑलरेडी. सो जो बेगर है उसको भी वो चीज़ सुनाई दे गई थी, सो दे डोंट नीड टू रिपीट. अब वो कहते हैं कि वो बेगर जो है वो बहुत ही, वो उस नीम ट्री के नीचे से बहुत ही मजबूरी में काइंड ऑफ जैसे वो उठता है और देखता है. आई विल गो ही सेड वियरली, मीन्स वो बहुत वियरली, बहुत उसने अजीब तरीके से बोला कि हाँ ठीक है मैं चला जाऊँगा. ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, द सन इज़ सो हॉट, द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड. वो कह रहे ठीक है मैं चला जाऊँगा, बट मुझे प्लीज़ इस ट्री के नीचे, इस नीम ट्री के नीचे रेस्ट करने दो, बिकॉज सन इज़ सो हॉट, कि सन बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत गर्मी है बाहर, और द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, और जो तार है वो रोड पर मेल्ट हो गई. अब तार क्या होती है, जब हम रोड्स जहाँ पर जब बनती हैं तो वो जो मिक्सचर में वो मिक्स करते हैं, लाइक जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं और वो ब्लैक सी जो लगती है रोड के ऊपर, ठीक है, सो उसको तार बोलते हैं. वो कह रहे हैं कि वो इतनी ज़्यादा हॉट होती है, वो उसके ऊपर आप पैर अगर रखो तो वो आपके पैर जल जाते हैं. सो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, कि वो गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा हॉट है और मेल्ट हो चुकी है वो तार मेरे. एंड ही सेड माय फीट्स आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, और वो बोल रहा है कि मेरे फीट जो है वो ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड है, मतलब छाले हो गए, ब्लिस्टर मीन्स छाले पड़ जाना. सो वो कह रहे हैं कि मेरे पैरों पर ऑलरेडी छाले पड़ चुके हैं. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. ठीक है, सो वो क्या करता है, वो अपने पैरों को स्ट्रेच करता है दिखाने के लिए, बहुत बड़े बड़े ब्लिस्टर्स जो हैं पिंक कलर के, जो कि पील हो रहे हैं, छाले होके फट भी चुके हैं, वो उतर रहे हैं उसके ऊपर से, मांस उतर रहा है उसके सोल्स पे. सोल्स मीन पैरों के नीचे, जो नंगे उसके पैर थे, बेयर फीट मीन नंगे पैर, तो वहाँ पर उसके ऑलरेडी वो नज़र आ रहे थे. आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना एंड रवि. अब मृदु जो है वो बहुत ही धीरे से विस्पर करके बोलती है, आई सपोज ही डोंट हैव मनी टू बाय चप्पल्स, कि भी शायद उसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए, बहुत धीरे से वो बोलती है. हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, वो पूछते क्या तुम्हारे पास घर पे कोई ओल्ड पेयर पड़ा हुआ है. आई डोंट नो सेड रवि, माइन आर टू स्मॉल टू हिज फीट टू फिट हिज फीट और आई हैव गिवन देम टू हिम. वो कह रहे हैं पता नहीं मुझे पड़े हैं कि नहीं, पर मेरी चप्पल जो है वो तो बहुत छोटी है उसके लिए, वरना मैं उसे अपनी ही दे देता. एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनास, और उसके फीट जो थे वो मृदु और मीना के फीट से भी बहुत बड़े थे. द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट. अब वो बेगर क्या करता है, वो जो है अपना जो उसने वो जो क्लोथ था उसको शेक करता, मतलब झाड़ रहा होता है,
और उसके बाद वो अपनी वेस्टी मीन्स अपनी जो धोती है उसको टाइट करता है, अपनी धोती को कि भाई अच्छे से टाई करता है। ही रेज्ड हिज आइज, वो अपनी आइज को रेज करता है, ऊपर करता है और बहुत ही डर के साथ रोड के ऊपर देखता है। ओह माय गॉड, मुझे इस रोड पे दोबारा जाना है। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, अब वो क्या करती थी, वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी, चमक रही थी आफ्टरनून की हीट में, बिकॉज वो कह रहा है कि वो तार मेल्ट हो चुकी तो वो शाइन कर रही, जैसे वो न्यू रोड हो, न्यू रोड जब होती तब भी वो मेल्टेड होती, तो आप देखो अगर कभी न्यू जब रोड बनी होती है कि वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा होता है। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, हर बिग आईज फिलिंग, इट्स नॉट फेयर। अब मीना बोलती है कि इट्स नॉट फेयर कि हम उसको ऐसे ही जाने दें, उसको कुछ ना कुछ चाहिए अपने फीट के लिए, अपने पैरों के लिए, उसको चप्पल चाहिए। श, सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, कहता है श, चुप करो, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इट्स गोइंग टू हेल्प, इज़न्ट गोइंग टू हेल्प, वो कह रहे हैं कि भैया इस बार बार बड़बड़ाना, इट्स नॉट फेयर बोलना हेल्प नहीं करेगा। इन टू मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, कह रहा है इन अनदर टू मिनट्स वो अपने फीट जो है, अपने जो पैर है उस रोड के ऊपर फ्राई कर रहा होगा। वट ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल, कह रहा है उसको जो चाहिए वो है एक पेयर ऑफ चप्पल। सो वे डू वी गेट देम, कम लेट्स सर्च द हाउस, वो कहते कहाँ पे हमें वो मिलेगा, वो कहते चलो घर में ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इन टू द हाउस, वो मृदु और मीना को पुश करता है घर के अंदर कि चलो हम घर में ढूंढते हैं। जस्ट एज शी स्टेप्ड इन टू द बरामदा, मृदुज आइज फेल ऑन द ऑड लुकिंग चप्पल्स शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, हूज आर दोस, ठीक है वो कह रही, जैसे ही वो बरामदा के अंदर पैर रखती है वो उन सेम चप्पल्स को दोबारा देखती है जिसको उन्हें उसने देखा था व्हेन शी एंटर्ड द हाउस फर्स्ट, ठीक है। सो उसने उसको देखा था, वो रवि से पूछती हूज आर दोस्त, कि ये किसकी चप्पल्स है। रवि टर्न एंड गैलेंस एट द शैबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लिपर्स, ही बीम्ड एंड नॉडेड, दीज आर जस्ट द राइट साइज, ही सेड पिकिंग देम अप, ठीक है। वो जो है वो घूमता है उन चप्पल्स की तरफ, गैलेंस कहता है मतलब देखता है बहुत ही ध्यान से, बहुत लुक करता देखता है स्टर्डी, हाँ ये तो हैवी गंदी सी चप्पल करें, और वो बोलता है ही नॉडेड, ऐसे कहते यस दिस इज द परफेक्ट साइज, मतलब ये बिल्कुल वही साइज है जो हमें चाहिए, और वो उन चप्पल्स को उठा लेता है। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, मृदु एंड मीना जो है वो बहुत ही नर्वस होके उसको फॉलो करती हैं वापस गार्डन में। सो नाउ वी आर एंडिंग टूडेज पार्ट हेयर ओनली, ठीक है, वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्ट टुमारो। And I'll be sending you some of the question which you can write in your notebooks according to the chapter what we have read today. Fine. So don't forget to complete your homework on time and let's meet tomorrow. Hope you have understood the chapter. Bye-bye. Take care.